तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बच्चे सभी खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारी सृष्टि है। सृष्टि क्या खेल रही हो? खाना पकाना। परी तुम क्या खेल रही हो? खाना पकाना। और अनुष्की तुम क्या खेल रही हो? खाना पकाना। अनन्या अच्छा आप बताओ तुम क्या खेल? खाना पकाना। कैसे खेला जाता है? देखिए दोस्तों, आप लोगों में कितने सारे बच्चे हमारे छत पर रोज डेली आकर खेलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन बैठा, हमारे हनी सिंह बैठे हैं। इनका नाम है हनी सिंह, पूरा एकदम हनी सिंह की तरह दिखते हैं, देख लीजिए। आइए, हमारी प्यारी सनुष्का है, ये मेरी प्यारी लाडली बेटी परी है, ये मेरी प्यारी बहुत बहुत ही कार्टूनी लड़की है सृष्टि। देखिए सृष्टि, हंसो तो एक बार, हंस के दिखाओ, थोड़ा डांस करके दिखा दो एक बार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, निको ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे हमेशा की तरह, और हमेशा रहिएगा भी आप लोग इसी तरह, हमारे ब्लॉग मीटिंग आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज तो मैं अकेली हूँ, पर एक पापा चल गए अपने काम पे, तो आज मैं अकेले ही वीडियो बना रही हूँ। मेरा तबीयत आज सुबह बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि आज मैं सुबह में उठ नहीं पा रही थी, कल मेरा जन्मदिन थी मंगलवार को, इसलिए। तो दोस्तों, अभी मैं ठीक हूँ, इस समय तो मैं ठीक ही ठाक हूँ, खाना ना बना चुकी हूँ, और बच्चों का टिफिन भी मैं तैयार करके उनको स्कूल में भेज दी हूँ। परी आई इसको सुबह में तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन तो फिर भी मैं कैसे भी करके खाना बनाई हूँ, नहा वहा करके पूजा पाठ कैसे करके की, मेरा शरीर बहुत ही कांप रहा था दोस्तों। हाँ, तो लगता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी कोशिश करके, हिम्मत करके मैं सारा काम की हूँ, और मैं खाना भी खा चुकी हूँ, लगभग मेरा तबीयत इसमें ठीक ठाक है। तो आप लोग को मैं दिखाऊँगी। तो दोस्तों, मेरा एक रूम है जो बहुत गंदा हो गया, जब मुझे सारा काम भी करना है, मेरा एक रूम बहुत गंदा है, मुझे उसको साफ़ करना है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊँगी अपना रूम कितना गंदा है, मैं उसको थोड़ा तबीयत ठीक है तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। नहीं, ये सब ठीक बात है। गाना फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में प्यारी लाला है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका। तो देखिए दोस्तों, आज परी आयुष जल्दी पढ़ के आ गए। आयुष ने तो तुरंत हाथ पर धुल कर कपड़ा बदल लिया है। देखिए आयुष क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, पैसे मत करो ऐसा, ठीक ऊपर वाला पहन लो, ठीक है। देखें परी क्या कर रही है, उसको तो गर्मी हो गई थी, तो वो देखिए क्या कर रही है। परी कपड़ा निकाल चुकी, देखिए परी मत बैठी हुई, आके तुरंत थोड़ा खेल रही, जा हाथ पर धुल के आओ, जा परी हाथ पर धुल के आओ। कहाँ पे जा रहे हो आयुष? और कुछ बोलोगे नहीं दोस्तों से? गुड मॉर्निंग थोड़ी ना टाइम बोला जाता है, क्या बोलोगे इस टाइम दोस्तों से? गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोला जाता है। परी जा रही कपड़ा बदलने, जा पर धुल के आओ, जा धुल के आओ तुरंत धुल के आओ, जाओ हाथ पैर धुल के आओ। परी बनाई तुम कह रही है, परी देखिए क्या कर रही है, परी हाथ पैर धुलने जा रही है, अभी कपड़ा निकाल रही है, इसको बहुत गर्मी हो गया था, आज इसको स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गया। परी स्कूल में जल्दी क्यों छुट्टी हो गया बताओ? ओ इसीलिए जल्दी छुट्टी हो गया, ठीक है, जाओ तो हाथ पैर धुल के आओ, सर ऊपर करो, परी जाओ पर धुल के आओ। तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, मैं चल रही हूँ अपना रूम साफ करने। तो आप लोग देखिए कितना गंदा है, ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, देखिए। तो देखिए कितना कपड़ा भी सारा बिखर रहा है, बिखरा हुआ है सारा कपड़ा, आप देखिए सब परी और सृष्टि ने बिखर दिया है। यहाँ पे देखिए भगवान जी का जो है, यहाँ पे भी सब गंदा हो गया है लगभग, इसको भी मुझे ये साफ करना है, बहुत कचरा है, आप लोग देखिए मुझे इसको भी। तो देखिए दोस्तों, मैंने घर बाहर कर साफ कर दिया है, और सभी सब कुछ साफ कर दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने। एक हफ्ता आगे मैं पोछा भी नहीं लगाई थी और रूम भी नहीं। तो देखिए
दोस्तों मैंने किस तरीके, तो देखिए दोस्तों मैंने किस तरीके से पूरे घर को साफ़ किया। देखिए कपड़ा वगैरह सब मैंने कितने अच्छे तरीके से रख दिया है, आप लोग देख लीजिए। ये माता जी का स्थान भी मैंने साफ़ कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। देख लीजिए आप लोग, आप रूम तो काफ़ी साफ़ हो चुका है, देख लीजिए। मैंने नया पेपर बिछा दिया है और अच्छा लगने लगा है रूम देखने में भी। मतलब देखिए घंटे है बजाने वाला, अभी जब शाम हो जाएगा तो फिर मैं दिया हुआ जला दूंगी इस घर में। दोस्तों थोड़ा हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप लोगों को, दीपक लोग में स्वागत है। हमारी वीडियो जरूर देखिए, लाइक अंदर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा आप लोग, आप लोगों की सपोर्ट की हमें जरूरत है। तो देखिए हमारा बाबू भी बोलना चाह रहा है आप लोगों से, तो हमारे वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्यों बाबू। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नीपा ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी हम आ गए हैं काम से, और दोस्तों हम लोग गए थे काम पर जो है बस्ती, तो अभी मैं आया हूँ जस्ट 7 बजे। तो अभी खा पी करके रेडी हो गए हैं दोस्तों, और अभी जा रहे हैं सोने के लिए। और आज का ब्लॉग जो है अपना परी की मम्मी ने शूट किया है दोस्तों। और दोस्तों देखिए अभी आयुष भी जग गया, इधर देखिए सो रहा था तो इसको प्यास लग गया दोस्तों, ये जग गया है। अभी भी प्यास लगाना आयुष, काफ़ी प्यास लग गया ना। और दोस्तों उधर देख सकते हैं इस्ता भी सो रही है, वो गहरी नींद में है दोस्तों। और परी तो दादी के पास में सोई है, और परी अपने दादी के पास में सोई है दोस्तों। तो ये लोग भी पढ़ करके आए हैं दोस्तों, काफ़ी मजा करते हैं, दिन भर पूरा टहलते रहते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों आयुष क्या बोला है कि ये समझा कि क्या समझे तुम, मैं जाना कि सुबेर हो गया है दोस्तों। नहीं अभी सुबेर नहीं हुआ, अभी तो हम लोग खा पी कर, अभी रात हो गया दोस्तों। उधर देख सकते हैं मेरा घड़ी है, उसमें दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा अभी 11:10 बाकी है दोस्तों। देखिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, दोस्तों घड़ी में देख सकते हैं उधर 11:10 बाकी है दोस्तों। और दोस्तों देखिए अभी आयुष बोल रहा है कि हमको गर्मी लग रहा है, हालांकि ठंडक है दोस्तों। देख सकते हैं हम लोग कंबल अभी ओढ़ रहे हैं, ये रहा हमारा कंबल दोस्तों। तो अभी हम लोग कंबल का इस्तेमाल करते हैं, और उधर परी की मम्मी गई है स्विच ऑन करने के लिए फैन का। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों फैन ऑन हो गया, देखिए दोस्तों फैन ऑन हो गया, देखिए देख सकते हैं। और दोस्तों ये रहा डंडा, चालू कर दी, तो इसे ये जो है स्विच को ऑन करती है थोड़ा। इधर स्विच जो हमारा दोस्तों ये वाला जो स्विच है देखिए, तो ये बहुत जो है काफ़ी ऊपर है ना, इसलिए थोड़ा सा डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ और देखिए आयुष क्या ठंडी लग रहा है क्या, हाँ तो कंबल ओढ़ लो, बंद कर दे, हाँ थोड़ा सा हवा खा लो उसके बाद में बंद करते हैं। चलो चलो सुला दो अपना राजा बापू, तुम सुला दो। तो देखिए दोस्तों अभी परी के मम्मी क्या बोले कि ये फैन का स्विच अभी बंद करने नहीं जाएगी, एक बार गए हम नहीं जाएंगे आप जाएंगे, ये भी काफ़ी आलसी हो चुकी है दोस्तों। और 11 बजे तभी तक आलसी नहीं जाएंगे, और हमारा स्विच दोस्तों उधर है पीछे, तो उठ करके जाना पड़ेगा। अभी हम लोग बेड पर हैं दोस्तों, इस समय देख सकते हैं, देखिए मेरा कमरा पूरा बिखर चुका है इतने टाइम। आयुष परी अश्री की पूरा मार के पूरा बिखर जाते सारा सामान, तो कल दोस्तों हम इस कमरे को जो है मैनेज करेंगे। मैं नहीं दोस्तों, मैं तो काम पर जाऊंगा, अपना पढ़ाई की परी की मम्मी है ना, ये अपना परी की मम्मी की आयुष मम्मी नहीं बोल सकते हैं। हाँ तो ये सही करेगी कमरा दोस्तों, मैं कमरा दिखाता हूँ आपको, खराब हो चुका है उसको देखिए, पानी छूटा है ना, क्योंकि इस दीवार पे उस तरह से जो है पानी का सीलन आता है दोस्तों, इसलिए ये वाला दीवार एकदम काफ़ी ख़राब हो चुका है। और इधर ये रहा मेरा हैंगर,
इसमें हम लोग कपड़ा टांग करके रखते हैं। अभी जो है ठंडी का कपड़ा टांग करके रखते हैं। इधर है मेरा किचन और इधर दोस्तों यह रहा किचन का आइटम पूरा, और बर्तन रखने का सब जगह है, और दोस्तों इधर खिड़की है, और देखिए उधर अपना भगवान जी का देवस्थान वगैरह, और इधर मेरा जो हमारा शादी में मिला था दोस्तों वो मेरा क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं अलमारी नहीं, सिंगारदानी, सिंगारदानी दोस्तों काफ़ी पुराना सिंगारदानी है दोस्तों देख सकते हैं। तो वो रहा मेरा सिंगारदानी और ये रहा मेरा अलमारी दोस्तों। तो ये छोटा सा कमरा है दोस्तों, हम लोग इसी में अपना रहते हैं मस्त। और एक बक्सा टूटा हुआ है, इसमें साड़ी रोज फंसता है। हाँ, और ये छोटा सा बक्सा है दोस्तों पुराना वाला, देख सकते हैं कि बक्से का क्या हालत है। और उसके ऊपर इतना सारा कपड़ा रखा हुआ, उस पर अपना आयुष का बैग भी रखा है जिसको खुल लेकर के जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला कमरा हम जो है कल सुबह जो है रेडी करवाएंगे परी की मम्मी से, अपना खाना वगैरह रेडी कर करके फिर ये कमरा को पूरा दुरुस्त करेंगे। तो ये वाला कमरा कल जो है पूरा फर्स्ट क्लास हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ दोस्तों, ये कल रेडी करना है, सही करना है पूरा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों लव यू, बाय।